व्यक्ति बलवान नहीं होता है, ये बात आप समझिए, ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। देखिएगा, हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पांच होएंगे, सबसे माफी मांगेंगे। ये समाज की बात है, जो समाज की बात करेगा उसे नेता माना जाएगा। यहाँ पर मतभेद इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। आप कार्य करिए, आप किस बात का मतभेद रख रहे हैं ये बिहार की जनता समझ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूँ आपके साथ शिवम। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने आज चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव का इंतज़ार कीजिए, चिराग पासवान सबसे माफ़ी मांगेंगे, सबके पैर छुएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, पहले आप वो सुने। कौन पिछड़ों की बात करता है, कौन हमारी बात करता है, कौन देश को आगे बढ़ाने की काम करता है? तो हमें अपने नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी पे पूरा विश्वास है, हमारे एक एक कार्यकर्ता को पूरा विश्वास है कि जो हमारे स्वर्गीय रामलाल पासवान जी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो मार्गदर्शन थे, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और बिहार की जनता, पूरे देश की जनता, जो गरीब पिछड़ी दलित जो है उनको आगे बढ़ाने का, उनको हिम्मत देने का हम लोग काम करेंगे। आज मैं सभा में आए सभी अपने नेतागण, अपने साथियों, अपने पदाधिकारियों, जिला के अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, सभी बिहार के तमाम विभिन्न प्रदेशों से आए हुए अध्यक्षों का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने यह कार्यक्रम को सफल बनाया और आपको हम पुनः, आप प्रेस मीडिया के साथ ही, प्रिंट मीडिया के साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथ ही यहाँ पर आए, आप सभी को हम धन्यवाद देंगे कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए। आपको देख के लग रहा है तो 200-300 तो आप ही मीडिया साथ ही यहाँ पर उपस्थित हैं, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। लेकिन विचारों में हमेशा हमारा ये रहेगा। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, ये बात आप समझिए, ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये समाज की बात है, जो समाज की बात करेगा उसे नेता माना जाएगा। यहाँ पर मतभेद इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। आप कार्य करिए, आप किस बात का मतभेद रख रहे हैं ये बिहार की जनता समझ चुकी है। आप किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, मतभेद रखते हैं आप, यहाँ पे पांव छूते हैं, आपको भी ये पता चल चुका है। देखिएगा, हम आपको लिख के देते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये सबके पांव छुएंगे, सबसे माफी मांगेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने आज अपने ही भाई चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि चुनाव का इंतज़ार कीजिए, चिराग पासवान सबसे माफ़ी मांगेंगे और साथ ही साथ सबके पैर छुएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है तो ऐसे में चिराग पासवान की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।